के आने में सुविधा होगी। सर कल से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए सर। हाँ वो शुरू हो जाएगा, तो हमने कहा ही है, तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना, तो एक एक बार उसका एक एक चीज़ की समीक्षा कर रहे थे क्या हुआ, तो एक एक चीज़ को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफ़ी संख्या में ट्रेन किया गया है, और उसके बाद सब जगह जा जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे देखेंगे, कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए, तो इसी तरह से क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा पर निकले हैं, आज इस समाधान यात्रा का दूसरा दिन है, ऐसे में वो सिवहर पहुंचे और यहाँ पर लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी समस्याएं जाना। वहीं आपको बता दें कि सिवहर में बने इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उन्होंने आज उद्घाटन किया है। क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, जरा वो सुनिए। जानते हैं कि हर, आपको पता ही, हर जिले में बनाने का हम लोगों ने तय किया, इस सिलसिले में जिले का भी बनकर तैयार था, इसलिए आ गए देखने, और कहाँ पढ़ाइएगा क्या पढ़ाइएगा तो सब एक एक चीज़ देख ले रहे हैं, तो जो सुझाव देना है बता देते हैं, ये सब करिए और सब तो देख लीजिए। अब तब सब प्रोफेसर सब जो आ रहा है, देखिए एमटेक बेंगलोर से किए हुए हैं, ये हुए यंग है, सब से भी देख रहे हैं, तब पढ़ाएगा ठीक से सब लोगों को, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये एकदम है कि जितने स्टूडेंट पढ़ेंगे लड़का या लड़की, सबके रहने का इंतजाम होना है, छात्रावास रहना है, पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं उनके रहने का, अन्य एम्प्लॉइज के रहने का, और उसके बाद इसको हमेशा साफ सफाई का काम करना और मेंटेनेंस का काम करना, ये हमारा शुरू से गाइडलाइन है कि इसको जरूर करिए। आपने सपना देखा था, हम तो जानते हैं, हम जब पढ़े हैं तजा हॉस्टलवा में रहते थे, साफ ही रहता था, पहले का जमाना कुछ और था, इधर उधर एकदम बिल्कुल साफ सफाई रहना चाहिए, और जब सब रहेगा साफ सफाई बहुत अच्छा रहेगा, सब अच्छा से पढ़ेगा, एरिया है तो एरिया है, तब ना रहेगा तब ना टहलेगा घूमेगा, सब तरह का चाहिए, और सब जगह जो कुछ पढ़ता है तो उसके अलावे उसको और भी कुछ भी हो उसको तो सुविधा होनी चाहिए ना हर प्रकार से, तो इसीलिए ये ठीक से बनाया है, वही हम देखने आए थे। सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज का जो रास्ता है ना, तो उसी में इनको कह दिए हैं कि जो बना हुआ है वहाँ पर बना है तो उसके डिपार्टमेंट को रास्ता बना देना, बांध के पर सड़क, तो बांध पर सड़क और इधर आने वाला जो रास्ता का बना हुआ सड़क उसको खूब और बढ़िया सी और पूरे मेंटेन करके रख देना है, ताकि आने जाने में किसी को दिक्कत। अब स्मार्ट गांव दिखाइए ना। हाँ, वो भी दिखाया, सबसे बड़ी बात है वो मोहल्ला में सारी चीजें थी, बिजली, सड़क, इसके अलावा जो साफ सफाई वो ऑलरेडी डायरेक्शन है कि इसको भाई एकदम कोशिश करना चाहिए जल्दी से जल्दी बनवा लेने का, बिलवा बांध का निर्माण के लिए सर। हाँ जी जी, उसके लिए क्या तो चल ही रहा है, सब तो यहाँ आने के लिए रास्ता भी तो ठीक हो ना जाना चाहिए, तो उसके बाद बांध के ऊपर उसका रोड ही बन जाएगा, तो ताकि आने में सुविधा हो। सर कल से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए सर। हाँ वो शुरू हो जाएगा, तो हमने कहा ही है, तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना, तो एक एक बार उसका एक एक चीज की समीक्षा कर रहे थे क्या हुआ, तो एक एक चीज़ को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफ़ी संख्या में ट्रेन किया गया है, और उसके बाद सब जगह जा जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे देखेंगे, कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए, तो इसी तरह से क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा, तो इस तरह से एक एक चीज़ सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा सर, देश और बहुत अच्छा होगा एकदम। हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है, और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है तो बाहर वाले के साथ भी कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना, और कौन अलग अलग जातियों का जाति जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी, तो इसलिए एकदम बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको हम बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए,
ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी, तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ही भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना हम लोग, तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज़ की जानकारी। खाली जाति का आधारित गन्ना खाली हम नहीं करवा रहे, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज़ की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगों का विकास हो जाए। सर राष्ट्रीय स्तर पे भी चाहते हैं कि जातिगत वो तो हम लोग चाहते ही थे, तो लोग एग्री नहीं किए तो हम लोग यहाँ करेंगे, और यही नहीं कर रहे हैं, एक चीज़ की जानकारी ले करके हम लोग करेंगे, और यहाँ जो भी होगा तो हम लोग तो इन्फॉर्म कर ही देंगे कि यहाँ का यह स्थिति अगर इसी तरह से करवा लीजिए, देश के विकास के लिए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बहुत फायदा होगा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने शिवहर से अपनी यात्रा की शुरुआत की। सीएम ने आज शिवहर में बसिया वार्ड में जहां आम जनता से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ पिपराही प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में बने गवर्नमेंट कॉलेज का शुभारंभ भी किया। बता दें आपको कि इसके निर्माण में 82 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस भवन का उद्घाटन करने के उपरांत सीएम की यह समाधान यात्रा सीतामढ़ी के लिए प्रस्थान करेगी। इसके बाद सीएम शिवहर से राघोपुर बखरी स्थित अंबेडकर आवासीय विद्यालय जाएंगे, जहां पर वो विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही डुमरा प्रखंड के राघोपुर बखरी गांव स्थित महादलित टोला में योजनाओं का अवलोकन और जनसंवाद कार्यक्रम भी करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 2:30 बजे सीएम जिला अतिथि गृह जाएंगे, फिर विश्राम करने के उपरांत 3 बजे से सीएम जीविका दीदी इनके साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन जाएंगे और समीक्षा बैठक करेंगे, फिर पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। गौरतलब हो कि सीएम नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत बगहा के दरु आबारी गांव से की है। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी इस यात्रा के पहले दिन ही ये क्लियर कर दिया है कि वो समाधान यात्रा के बाद देश की यात्रा पर भी निकलेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ये यात्रा समाधान नहीं बल्कि व्यवधान यात्रा है और नीतीश कुमार की आखिरी यात्रा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर सत्ता पक्ष के दल भी कुछ कम तीर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के पास दोहरी चुनौती बन गई है। तो देखा आपने, आज सीएम नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याएं जाना, तो वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने कहा है कि बेहतर व्यवस्था हो, साथ ही यहां पढ़ने वाले बच्चों को रहने की समुचित व्यवस्था कराई जाए। आपको बता दें कि इनकी इस यात्रा को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही है, ऐसे में अब ये देश की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। फिलहाल इन यात्राओं का मेन मकसद है लोगों के बीच जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, जो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार की ये यात्रा बखूबी साबित कर रही है। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए मैं दे इजाजत, नमस्कार।